अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम चिकन अंडा ब्रेड रोल बनाए। हमने पहले भी दो तीन तरीके से हमने अंडा ब्रेड रोल बनाए, अभी भी बना रहे, वो भी देखो, ऐसा भी खा के देखो, वैसा बना के देखो, कैसा लगता मुझे बताओ। आधा इसमें आधा टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। यहाँ पर 5 हम लोगों ने बॉईल करे हुए अंडे लिए हुए हैं और यहाँ पर हम लोगों ने 200 ग्राम चिकन था जिसको बॉईल करके श्रेड करके दिया हुआ है। बॉईल करते वक्त इसमें नमक नहीं डाला हुआ है, इसमें काली मिर्च कुछ नहीं, सीधा सिंपली हम लोगों ने पानी में डाल के इसको बॉईल कर लिया है। और यहाँ पर हम लोगों ने 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है जिसको ऑमलेट कट कर लिया है। यहाँ पर हम लोगों ने लिया हुआ है 1/2 टेबल स्पून जितना हम लोगों ने जीरा पाउडर लिया है। और यहाँ पर हम लोगों ने 1/2 टेबल स्पून जितना ही चिली फ्लेक्स लिया हुआ है। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट जाएगा। 1 टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर है। और यहाँ पर 1/2 टीस्पून जितना हम लोगों ने चिली मिर्ची पाउडर लिया हुआ है, चिली पाउडर लिया हुआ है, वो इसलिए क्योंकि इसमें ऑलरेडी हम लोग काले मिर्च और यहाँ पर चिली फ्लेक्स ऑलरेडी लिया हुआ है, तो ज्यादा नहीं टेस्ट तेज तीखा बढ़ जाए इसके लिए हम लोगों ने कम लिया हुआ है। और यहाँ पर चाट मसाला हम लोगों ने लिया है 1 टीस्पून। और यहाँ पर मिक्स हर्ब्स हम लोगों ने लिया, अगर मिक्स हर्ब्स नहीं है तो आप सिंपली ओरिगानो भी ले सकते हो। तो ये हम लोगों ने लिया है 1 टीस्पून। और यहाँ पर जाएगा इसके अंदर ये वाला स्लाइस वाला चीज जाएगा, नॉर्मल वाला भी हम लोगों के पास में ये है तो हम लोग यूज कर रहे हैं। आप लोग नॉर्मल जो मोजरेला भी आता है वो भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ ब्रेड लगेगी इसको बनाने के लिए। अब इसको बनाने का तरीका बता। 1 टेबल स्पून हमने तेल डाल दिए। अब इसके अंदर प्याज डालेंगे, प्याज के साथ नमक डालेंगे, प्याज नरम हो जाएगा तो आगे बताएं। अभी अदरक लहसुन डालेंगे, अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल जाने तक उसको भूनेंगे। अभी पूरा मसाला डालेंगे, उसको भी अच्छे से भूनेंगे। अभी चिकन डालेंगे, देखो आप कच्चा चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन अभी रमजान का टाइम है तो फटाफट बनने के लिए हमने जब बॉयल चिकन किया, आप कच्चा चिकन भी ले सकते हैं, कच्चे चिकन को टाइम लगता है। अंडा बॉयल किए हुए अभी घिसे उसको, ऐसा घिसने का, अंडा बॉयल करके देखो इस तरीके से श्रेड किए, ये भी इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर देखिए अभी अच्छे से 2 मिनट पक गया है। अब इसको साइड में रखेंगे, रूम टेम्परेचर पर आने देंगे और इसके रोल बनाएंगे। ये देखो एक ब्रेड लिए, इसको ऐसा पानी में डुबा दिए, ये देखो इसके ऊपर एक चीज डालेंगे, डाले इसमें ये चिकन और अंडे का मसाला भरेंगे, ये देखो भर दिए। अभी इसको कोल करके अच्छे से चिपका देंगे, ये देखो देखिए इतना अच्छा रोल बन गया, ऐसे सब बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, ये रोल को अंडे में डिप करेंगे गरम तेल में फ्राई करने का 5 या 6। कभी भी ब्रेड अंडा रोल कभी भी फ्राई करने का है, कैसा भी कौन सी भी तरीके से बनाओ तो उसमें ये करो, क्या करो, पकौड़े भी बनाओ तो गरम तेल में फ्राई करो, नहीं तो फिर वो ब्रेड तेल चूस लेता है। 5 गैस पे फ्राई करने का बहुत टेस्टी लगता है, देखो बना के। अभी इसको टर्न करेंगे, दूसरी तरफ से भी इसको अच्छे से पका लेंगे। अभी हो गया अंडा रोल, अभी हम इसको डायरेक्ट सब करके बताएंगे, बाकी के फ्राई करेंगे बाद में बताएंगे। हमने चिकन अंडा ब्रेड रोल बनाए हैं, पहले भी हमें 4-5 तरीके से अलग अलग तरीके से अंडा ब्रेड चिकन रोल बनाए, वो भी देखो, ये भी देखो, ऐसा भी बनाओ वैसा भी बनाओ। देखो हमने काट के दिखाया, देखे कितना अच्छे से पक गया, एकदम फर्स्ट क्लास चीज निकल के बाहर आ रही, देखो ऐसा तुम भी बनाओ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, तो मेरी रोज की अलग अलग नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। प्लीज अल्लाह हाफिज।